सब्सक्राइब कीजिए मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड चैनल को, साथ में बेल आइकन भी दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राधा दुबे, मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे पीनट बटर, जो कि मार्केट के पीनट बटर से ज्यादा हेल्दी और प्रिजर्वेटिव फ्री होगा। मार्केट में दो तरह के पीनट बटर मिलते हैं, पहला क्रंची और दूसरा क्रीमी। तो यहाँ पे मैं आज आपके साथ क्रीमी पीनट बटर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और इस पीनट बटर को आप एक महीने तक फ्रिज में रखकर खा सकते हैं। तो चलिए इस पीनट बटर को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो यानी कि 500 ग्राम सेंगदाना यानी कि कच्ची मूंगफली। अगर आप यहाँ पे इंस्टेंट पीनट बटर बनाना चाहते हैं तो मार्केट में भुना हुआ सेंगदाना मिलता है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नॉर्मल सेंगदाने का यूज कर रही हूँ। तो चलिए इस सेंगदाने को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। सेंगदाना भूनने के लिए हम कढ़ाई में सेंगदाने को ऐड करेंगे और इस पीनट को हम लो टू मीडियम फ्लेम में 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। आप जब भी सेंगदाने या मूंगफली को भूने तो गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें, ताकि मूंगफली बाहर और अंदर से अच्छी तरह से पके और मूंगफली अच्छी तरह से भून जाए और जले ना। और अगर हमारी मूंगफली जल जाएगी तो हमारे पीनट बटर में कड़वा टेस्ट आएगा, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब हमारी मूंगफली अच्छी तरह से भून चुकी है और वो बिल्कुल जली नहीं है। अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस मूंगफली को ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे, और इस मूंगफली को हम 5 मिनट के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब मैंने मूंगफली के सारे छिलके अच्छी तरह से उतार लिए हैं। तो मूंगफली अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छी तरह से पकी हुई है। अब हम इस मूंगफली को एक मिक्सर जार में डालेंगे। यहाँ पे हमारा ग्राइंडिंग जार बड़ा है, इसलिए मैंने सारी मूंगफली को एक साथ पीसा है। अगर आपका ग्राइंडिंग जार छोटा है तो आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चुटकी नमक। इस बटर में हल्का सा नमक डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच शहद। इस पीनट बटर में शहद डालने से इसकी क्रीमीनेस और भी बढ़ जाएगी। अब मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच पीनट ऑयल, इस पीनट बटर के टेस्ट को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अगर आप नहीं चाहते तो आप दूसरा कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। पीनट बटर को और भी टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने डाला है इसमें 2 बड़े चम्मच गुड़। यहाँ पे आप गुड़ की जगह चीनी का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे गुड़ का यूज किया है क्योंकि गुड़ काफी हेल्दी होता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हमने सारी चीजों को इस मिक्सर जार में डाल दिया है, तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पे आप पीनट को पीसते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि मिक्सी कंटिन्यू ना चलाएं। जैसे मूंगफली हल्की दरदरी पीस जाए तो मिक्सर को बंद कर दें और उसे ठंडा होने दें। सेंगदाने को पीसते वक्त मिक्सी गर्म हो जाती है। यहाँ पे आपको मिक्सी को बंद चालू करके ही सेंगदाने को पीसना है। अगर आप इसे कंटिन्यू पीसेंगे तो मिक्सी खराब होने का डर है। तो इस सेंगदाने को मैंने एक बार दरदरा पीस लिया है, अब मैं इसे थोड़ा ठंडा होने दूंगी और इसे फिर पीसूंगी। अब मिक्सी का सेंगदाना थोड़ा ठंडा हो चुका है तो इसे मैं फिर से पीसूंगी। तो मैंने यहाँ पे इस मिक्सी को 2 से 3 बार बंद करके और ठंडा होकर पीसा है। तो अब हमारा क्रीमी पीनट बटर बनकर रेडी हो चुका है। तो आप इस पीनट बटर को रोटी, पराठा, पूरी, ब्रेड किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये पीनट बटर खाने में जितना टेस्टी है उतना ही हमारे सेहत के लिए हेल्दी है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हम खाकर बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं। इस हेल्दी पीनट बटर को आप एयर टाइट कंटेनर में भरकर महीने भर तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो आप भी इस पावर पैक पीनट बटर को घर पर आसानी से बनाइए, खाइए, खिलाइए और एंजॉय कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।